ये जो मौत से पहले की जिंदगी है उसके पाने की कोशिश के लिए मिली है। लेकिन आदमी ये सारी जिंदगी किसमें खपा देता है? यहाँ की सड़ी गली घटिया चीजों के पाने में, और बकदर हाजत भी नहीं। हाजत के बकदर लेने की बजाय आदमी अल्लाह की इबादत को कुर्बान करके इसको हासिल कर लेता है, सारा ढेर जमा करता है, फिर उसको उठाने भी नहीं आता, उसके बोझ में जिंदगी गुजारता है। जितना ढेर नेमतों का जमा करता है यहाँ पे, फिर वो बोझ लेके जिंदगी भर चलता रहता है और उसी के बोझ के नीचे एक दिन दब के मर जाता है, मौत। फिर क्या होता है? फिर यहां से बेटा, वहां से बेटी, वहां से भतीजा, जो दवाखाने में देखने नहीं आया वो भी आता है। कब? जब जायदाद बंटना शुरू होती है। मेरे चाचा थे, मेरे वाले साहब है, मेरे ये बड़ा अच्छा, फिर अब सब रिश्तेदार आ जाते हैं। वो सारे जैसे जानवर चीर फाड़ करके मुर्दार को खाते हैं, उसकी जायदाद को इस तरह से लूटना शुरू करते हैं। उसका कोई नहीं सोचता है, वो गया हो गया हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं। उसके पास क्या है? सब कमा के पीछे छोड़ के गया हो, उसका क्या? उसका क्या? उसके बारे में क्या? वो अपना कुछ नहीं कर पाया, उसने इनके लिए छोड़ दिया। अपना क्या किया तूने? अपने लिए तूने क्या जमाया? तूने तो अपने बाप वालों के लिए जमा किया। फिर उसमें से कोई जाके शराब पी रहा है, उसमें से कोई जाके जुआ खेल रहा है, उसमें से कोई जाके अपने लिए कुछ अय्याशी के सामान खरीद रहा है, उनके लिए तो ये छोड़ के गया, तेरे लिए क्या? उनकी लज्जतों के लिए छोड़ा, तेरे लिए क्या? कुछ नहीं। ये इंसान की जिंदगी का अलमिया है। कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, मौत आने वाली है। और अल्लाह ताला फरमाता है, वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हारी जो कुछ भी मेहनत है उसका पूरा पूरा बदला तुमको मिलेगा क़ियामत के दिन। فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اور یاد رکھو وہ آدمی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی چیزیں یہاں کی نعمتیں یہ تو دھوکے کی چیز ہے, دھوکا ہی ہے۔ ایک آدمی کو دنیا میں سو گیا, सोने के बाद में ख्वाब में देखा बहुत बड़ी जायदाद मिल गई, पैसा मिला, मां दौलत डिग्री सब कुछ मिल गया, सब उसकी बात मान रहे, उसके आगे सब सर झुका के खड़े, और फिर अचानक उठो जॉब पे जाना है, उठ कब तक सोएंगे? ख्वाब उठ के देखा तो सारी बात चार है। फिर वही पलंग है टूटा हुआ, हाँ वही घर है जिसकी छत में से पानी टपकता है, अभी वही गाड़ी है जो चलने से ज्यादा आवाज करती है, फिर वही सी जिंदगी वापस है। तो दुनिया के अंदर आदमी एक ख्वाब देख ले, हिसाब कुछ मिल गया, और जब ख्वाब टूट जाता है और कोई उसको ख्वाब से जगाता है बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है काश की ख्वाब जारी रहता, काश की ख्वाब हकीकत होता, काश की ख्वाब ख्वाब नहीं होता। जब जागता है और एहसास होता है कि कुछ भी नहीं जो मैंने देखा वो नहीं है, यही हाल आदमी का होगा जब मरने के बाद आदमी दुनिया से जाएगा, सब गया हो, ख्वाब अब टूटा है तेरा, अब आया तो असल दुनिया में, ये असल दुनिया है, वो तो ख्वाब था, वो तो बस वक्ती जिंदगी थी, वो ख्वाब की तरह थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन उसमें अगर तूने अमल किया है तो यहां लज्जतें हैं, उसमें अगर तूने कोशिश नहीं किया है तो अब सजा ही सजा है, वापस नहीं जा सकता।